हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम 36 चेस्ट साइज़ के लिए 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, जिसको हम सिंपल ब्लाउज़ या फिर आप बोलते होंगे सादा ब्लाउज़, इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने पेपर लिया है। पेपर जो है हम दोनों अलग अलग पार्ट कट करने वाले हैं, जैसे फैन फ्रंट और बैक साइड को अलग अलग कट करेंगे, जिसकी वजह से हम फ्रंट साइड हमेशा थोड़ी सी बढ़ा कर लेते हैं, तो वो भी मैं आपको बता पाऊंगी। आप चाहें तो दोनों साइड जो है एक साथ कट कर सकते हैं और बाद में आप ब्लाउज़ के ऊपर बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपको पेपर के ऊपर डायरेक्टली बढ़ा कर दिखाऊंगी, इसीलिए दोनों भी साइड जो है मैं अलग अलग कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैक साइड कट करेंगे। बैक साइड के लिए आपको सबसे पहले आपके ब्लाउज़ की जितनी भी हाइट है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाकर यहाँ पर मेजरमेंट लेना है। सपोज अगर 14 इंच है तो 15 इंच लेना है, 15 है तो 16 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 16 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, क्योंकि मैं 5 फिट से हाइट ऊपर की लेडी के लिए ये ब्लाउज कट कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 16 इंच लिया है, ये सील कर 15 इंच के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 इंच का मार्जिन मैंने पूरा लिया। इसके साथ आपको यहाँ पर गले की चौड़ाई को नापना है। हम 36 चेस्ट साइज के लिए बना रहे हैं, इसीलिए गले की चौड़ाई को मैं रख रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच, मतलब 2.5 इंच। और यहाँ पर शोल्डर पट्टी की चौड़ाई को हम रखेंगे 3 इंच के लिए। आर्म होल यहाँ से नीचे हम गिनेंगे 6 इंच के लिए, 6 इंच के ऊपर इस तरह से मार्क कर देंगे। अब एक स्केल लेना है आपको, और जैसा भी आपने यहाँ पर मार्क लगाया है इसको आपको इस तरह से स्क्वायर में कर देना है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जहाँ पर आपने स्क्वायर बनाया है यहाँ से हमको चेस्ट साइज का नाप लगाना पड़ता है। तो देखो, 36 साइज के लिए बना रहे हैं, 36 का फोर्थ भाग यहाँ पर नाप लेंगे। तो 9 इंच होता है 36 का फोर्थ भाग। इसमें हम 1.5 या 2 इंच तक मार्जिन एक्स्ट्रा रख सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्जिन कितना रखते हैं। मैं यहाँ पर 1 इंच मार्जिन रख रही हूँ, तो यहाँ मैं 10 इंच के लिए मार्क कर रही हूँ। अब जहाँ पर आपने हाइट को पूरा नापा है वहाँ पर आपको कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच इतना लेना है। अगर आपको याद रखने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है तो देखो, ऊपर जैसे हमने 10 इंच लिया था, तो जहाँ पर आपने पूरी हाइट नापी है वहाँ पर आपको 1 इंच कम लेना है। ये हमारा कमर का भाग होता है, कमर का भाग हमेशा चेस्ट साइज से कम होता है। तो देखो, यहाँ पर मैंने 9 इंच लिया, 1 इंच को मैंने कम करके लिया। अब यहाँ पर हम इस तरह से इस वाली लाइन को सीधा जोड़ देंगे यहाँ तक, और इस वाली लाइन को हम तिरछा जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब इतना होने के बाद आपको यहाँ पर बैक साइड का आर्म होल को गिनना है। तो यहाँ बैक साइड का आर्म होल हम 1 इंच के लिए रखेंगे, और पेपर को हल्का सा इस तरह से घुमा कर ले लेंगे और आर्म होल का गोलाई में निशान दे देंगे। गोलाई देते वक्त आपको हाथ को बार बार उठाना नहीं है, जिससे कि गोलाई अच्छी सी नहीं आती है। तो हाथ को बिना उठाए आप गोलाई इस तरह से दे सकते हैं। अब यहाँ पर इतना होने के बाद आपको अगर गला गिरने का प्रॉब्लम है, जैसे बहुत से लोगों के यहाँ पर कंधे गिर जाते हैं नीचे, तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट के लिए नीचे डाउन देना है। 1, 2, 3 पॉइंट 3 लाइन्स के लिए डॉट डाउन देंगे और इसको यहाँ से तिरछा जोड़ देंगे, ठीक है। ये देखो, इतना जोड़ने के बाद हमारा बैक साइड बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम एज इट इज कटिंग करेंगे, जैसे भी हमने इसकी मार्किंग की हुई है। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे भी मैंने मार्किंग करी थी ऐसे ही मैंने इसकी कटिंग कर ली है। बैक साइड को हमने टोटली अलग कर लिया है, अब हमको करना है फ्रंट साइड के लिए कटिंग। अब एक अलग पेपर ले लेंगे, इस तरह से आपको पेपर लेना है। आप चाहे तो इसके ऊपर पूरी मार्किंग जो है, पहले हमको जितनी हमने बैक साइड में करी थी उतनी पूरी मार्किंग यहाँ पर करनी पड़ती है। अगर चाहे तो वापस से मार्किंग कर सकते हैं, और अगर चाहे तो इस तरह से पेपर को, जो हमारा बैक साइड का पेपर है, इसको इस तरह से रखना है आपको, और इसकी आपको आउटलाइन देते हुए मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मैं पेन से हल्के हल्के से आउटलाइन बना देती हूँ, और उसके बाद हम मार्किंग को सीधा कर लेंगे। तो देखो, जहाँ पर हमने डाउन के लिए मार्क करा था वहाँ पर भी हमको इस तरह से हल्की हल्की मार्किंग करनी है। देन यहाँ से भी हमने जो आर्म होल के लिए मार्क लगाया है इसको भी हम इस तरह से शेप दे देंगे, राउंड शेप, और यहाँ से भी हम इसको सीधा कर लेंगे। ये थोड़ा सा तरीका आसान होता है, इसीलिए मैं यह तरीका यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो मार्किंग वापस से गिन कर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, यहाँ पर इस तरह से हल्की हल्की सी मार्किंग करेंगे। अब इतनी मार्किंग होने के बाद हमको हटा देना है और स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर देंगे, ठीक है। ये मार्किंग आपको इस तरह से सीधी कर देनी है। देखो, तरीका थोड़ा सा आसान है, अगर आप चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको गले की चौड़ाई और शोल्डर पट्टी की मार्किंग जो है वापस से एक बार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई को रखा था 2.5 इंच, तो 2.5 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे, और शोल्डर पट्टी की चौड़ाई को हमने रखा था यहाँ पर 3 इंच के लिए मार्क कर देंगे, ठीक है। आर्म होल के लिए भी एक मार्क वापस से लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम फ्रंट साइड का आर्म होल को गिनने वाले हैं,
तो आरमोल के लिए मार के वापस लगा देंगे। अब इस तरह से आप इस वाले पार्ट को जोड़ेंगे। अब देखो बैक साइड का आरमोल हमने 1 इंच के लिए नापा था, अब फ्रंट साइड का आरमोल को हमको 1/2 इंच के लिए लेना है। तो यहाँ पर 1/2 इंच के लिए एक मार्क कर देंगे और यहाँ पर फिर से एक बार पेपर को इस तरह से घुमाते हुए इसको राउंड शेप इस तरह दे देंगे। ये हमारा फ्रंट साइड का आरमोल है, इसको आपको इस तरह से राउंड शेप देने के बाद आप यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वाला ब्लाउज कट कर रहे हैं तो इसके लिए क्रॉस पट्टी जो होती है, साइड पट्टी, आप इसको बेल्ट पट्टी बोल सकते हैं, इसको भी लेना ज़रूरी होता है। तो चलो बेल्ट के लिए नाप लेते हैं। अगर आप 5 फिट से ज़्यादा के हाइट के लिए बना रहे हैं, जैसे मैंने 16 इंच की हाइट ली है, आप 16 इंच से कम ले रहे हैं तो इस वाली पट्टी को आपको थोड़ा सा कम करके लेना है, ठीक है। अगर पूरा 16 इंच के लिए आप ले रहे हैं तो इस वाली पट्टी को जैसे मैं ले रही हूँ वैसे ही आपको लेना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 इंच के लिए, देन दूसरी साइड से मैं इसको ले रही हूँ 4 इंच के लिए, मतलब 4 इंच। यहाँ पर एक 3 इंच के लिए भी एक मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो दोनों जैसे मार्क हमने 3 इंच के लिए लगाए हैं, इसको हम बिल्कुल सीधा कर देंगे और इसको यहाँ पर हमको जोड़ देना है। देन वापस से इसी वाली लाइन के ऊपर टेप को आप इस तरह से रखेंगे और आपको यहाँ पर 3.5 इंच के लिए एक नाप लगाना है। देन यहाँ से आपको इस तरह से गोलाई में जोड़ना है। ये देखो हमारा बेल्ट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। आगे के गले के लिए निशान लगाएंगे। तो जहाँ पर आपने 2.5 इंच के लिए निशान लगाया है, यहाँ से नीचे आपको लेना है। आप जितना भी गला चाहते हैं उतना आपको लेना है, उसमें बढ़ाना घटाना कुछ भी नहीं है। आपको जो भी ब्लाउज परफेक्ट आता है उसका गला आप गिन लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6.5 इंच के लिए और यहाँ से भी आपको 2.5 इंच के लिए अच्छे से नाप लेना है। अब ये दोनों भी नाप आपको इस तरह से जोड़ देने हैं। हम यहाँ 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वाला ब्लाउज। ये देखो इस तरह से आपको जोड़ना है। इसके बाद आपको 1 इंच अंदर नाप लेना है और यहाँ पर आपको गोल आकार देना है, ठीक है, राउंड शेप देना है। आप चाहे तो कोई भी आकार देकर इसको बना सकते हैं, मैं यहाँ पर राउंड शेप दे रही हूँ। अब आपको यहाँ पर 4 टक्स लगाने हैं, 4 टक्स लगाकर आपको इसको कंप्लीट करना है। तो 4 टक्स कहाँ से लगते हैं, देखो सबसे पहला वाला टक्स हमारा यहाँ से लगता है जो हम लगाएंगे 4 इंच के ऊपर, 4 इंच के ऊपर एक मार्क लगाएंगे। इसको हम मार्क को बिल्कुल ऊपर सीधा करेंगे 3 इंच के लिए, 3 इंच के लिए इस मार्क को आपको इस तरह से सीधा कर देना है। ये हमारा सबसे पहला वाला और इम्पॉर्टेंट टक्स है, तो इसको हम यहाँ से सीधा करेंगे। देन इस वाले टक्स को हमको 3 इंच के लिए एक्सपेंड करना है, बढ़ा देना है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का सेंटर रखेंगे 1.5 इंच को और यहाँ 3 के ऊपर एक मार्क करेंगे, 1 के ऊपर एक मार्क करेंगे। अब ये 2 मार्क करने के बाद आपको इसको इस तरह से जोड़ना है, ठीक है। 36, 38, 38 और 40 साइज के लिए आप 3 इंच का टक्स लगा सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल ब्लाउज रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तीनों साइज के लिए आप 3 इंच का टक्स यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरा वाला टक्स लगाना है, वो हम यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको नीचे लेना है 2 इंच के लिए, 2 इंच के लिए लेना है, एक मार्क यहाँ पर हम कर देंगे, ठीक है। तीसरा वाला टक्स इस वाली साइड से लगेगा, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच के लिए टक्स लगाएंगे, ठीक है। 2.5 इंच के लिए यहाँ पर टक्स लगाएंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच के लिए लगाया, यहाँ पर 3 इंच के लिए लगाया, ठीक है। अब इस वाले सेंटर को 1 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से मार्क लगा देंगे। 1-1 इंच का मार्जिन आपको रखना इसमें ज़रूरी है। दोनों साइड से 1-1 इंच का मार्जिन लगाते हुए हमको ये वाला टक्स यहाँ तक इसको जोड़ना है। ये देखो अब दूसरा वाला टक्स हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, जहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है ना, यहाँ तक, ठीक है। और इस वाले टक्स में आपको कपड़ा जो है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करना है। जैसे देखो इतना सा कपड़ा हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। मैं आपको इसकी कटिंग जो है डायरेक्टली कपड़े पर भी बता दूंगी, तो नेक्स्ट वीडियो आप ध्यान रखिएगा देखना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको अलग साइज़ के लिए बताऊंगी। जैसे यहाँ पर मैंने 36 के लिए बताया है, वहाँ पर चाहे तो 40-42 साइज़ के लिए हम देख लेंगे। तो कपड़े पर भी मैं आपको बताऊंगी कि आप वहाँ पर कैसे आसानी से कर सकते हैं, तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अब देखो यहाँ पर भी आपको हल्के से थोड़ा सा कपड़े में मार्जिन रखना है और यहाँ से इसको जोड़ना है, ठीक है। कपड़े में इतना ही मार्जिन रखना है। इसके बाद आपको फोर्थ वाला टक्स, मतलब चौथा टक्स जो है, इस वाले पॉइंट को सेंटर रख के 1 इंच का मार्जिन देना है। देखो यहाँ से 1 इंच का मार्जिन हमने दिया। अब हमको ये वाला टक्स जो है हमारा आर्म होल में से आता है, तो इसको इस तरह से जोड़ेंगे और यहाँ पर भी आपको कपड़ा बिल्कुल हल्का सा एडजस्ट करना है। ये देखो
तो इस तरह से आप फोर टक्स का ब्लाउज का मार्किंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पर एक बात है जो याद रखने वाली है, जो हमने यहाँ पर टक्स लिया है, ठीक है, ये टक्स आप 3 इंच का ले रहे हैं तो 3 इंच की मार्जिन आपको यहाँ लेना है, ठीक है, ये 2 इंच का ले रहे हैं तो 2 इंच का मार्जिन आपको आगे लेना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है तो इसको याद रखना भी ज़रूरी है। देखो यहाँ पर जितना भी पेपर आ रहा है मैं इतना पूरा ले रही हूँ, इसको एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये साइड फोल्ड हो जाती है तो ब्लाउज कम ना हो, इसीलिए यहाँ पर हमको बढ़ाना ज़रूरी है। यहाँ से सिलाई मार्जिन को रखते हुए अब इसको जोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन कम लिया है तो सिलाई मार्जिन को ऐड कर देंगे और यहाँ से इसको इस तरह से आपको जोड़ना है। जबकि आप ब्लाउज आगे स्टिच करेंगे तो बिल्कुल भी कपड़ा कम ना हो, इसीलिए अगर एक्स्ट्रा होता है तो आप कट कर सकते हैं इसको। अब इतना जोड़ने के बाद आपको देखो यहाँ से भी हमने डाउन के लिए मार्क लगाया है, इसको ज़रा सीधा कर देंगे। अब आपको इसकी कटिंग करनी है। अब जैसे भी आपने इसकी मार्किंग करी है ऐसे ही आप कटिंग कर देंगे। सबसे पहले आपको नीचे की साइड से कट करते हुए चलना है और आपको ये जो बेल्ट साइड है इसको गोलाई में कट करना है। जैसे आपने गोलाई में पहले मार्क किया है तो ऐसे ही आपको गोलाई में इसको कट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप मार्जिन नहीं लेंगे तो भी चलेगा, तो इस मार्जिन को हम कट कर देंगे, ये मार्जिन इतना ज़रूरी नहीं है। अब इस वाले मार्जिन को हमको इसके साथ ही रखना है तो यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट साइड के लिए हमने जो आर्मोल लगाया है उसकी कटिंग करेंगे। बैक साइड वाले आर्मोल की कटिंग यहाँ पर आपको नहीं करनी है। फ्रंट साइड के आर्मोल की कटिंग करते हुए आपको इस तरह से छोड़ देना है और फिर आपको करना है जहाँ पर आपने डाउन दिया है वहाँ पर कटिंग करनी है। देन आपको जहाँ पर गोल गला है तो गोल गले की कटिंग करिए। यहाँ पर अगर आपने कुछ अलग मार्किंग करी है, अलग निशान लगाया है तो वहाँ पर भी आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। ये देखो ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज हमने करी थी यहाँ पर 36 साइज के लिए कटिंग। अगर आपको स्लीव्स के बारे में कटिंग चाहिए तो मेरे बहुत सी वीडियोस में मैंने परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग और साथ ही मैं आपको बहुत इजी से पैटर्न डाले हैं स्लीव्स के लिए, और स्लीव्स के लिए परफेक्टली कटिंग करना भी मैंने वहाँ पर बताया है, तो वहाँ पर आप ज़रूर देख सकते हैं। किसी भी साइज़ का स्लीव्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो आज हमने 36 चेस्ट के लिए सिंपल ब्लाउज की कटिंग करी है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसी टाइप्स की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमेशा मेरे चैनल पर अवेलेबल रहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।